नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और गुड न्यूज टुडे पर रोज रात 9 बजे आपके जीवन में लेकर आता हूं गुड की गारंटी। आज की कहानियों का विषय है कोशिश से बदलाव। तो आइए साथ में मिलकर देखते हैं और जीवन में अच्छाई को और बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पिछले कुछ सप्ताह पहले मेरे साथ घटी। मैं अपना पूरा दिन जो ख़त्म करके जब मैं घर पे आया तो मेरे वॉचमैन ने बताया कि एक लड़की नीचे खड़ी है जो चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, और वो पूरा दिन वहाँ खड़ी हुई थी। और उस दिन मैं गुड न्यूज़ टुडे की ही शूटिंग करके लौटा था, रात के 11:30 बजे का समय था। तो मैं नीचे गया, उस लड़की से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या है। तो उसने बताया कि उसे एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो सिर्फ एक डॉक्टर थे मुंबई में जिनका नाम था आलोक शर्मा, जो वही ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि रात को 11:30 बजे डॉक्टर साहब को क्या फ़ोन करूँगा। मैंने उस लड़की से डॉक्टर साहब का नंबर लिया और उनके सामने खड़े खड़े एक मैसेज डाला कि डॉक्टर साहब, जब आप फ्री होंगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब का मुझे वापस मैसेज आया हुआ है और उन्होंने बोला कि हम सोनू अभी बात कर सकते हैं। करीबन 12 बजे का समय था। मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, उस लड़की की जो रिपोर्ट्स शेयर की थी, और डॉक्टर साहब ने उसे देखने के बाद बोला कि सोनू, इसे आप कल मेरे अस्पताल में भेज दीजिए। वो लड़की अस्पताल में गई, उसका इलाज शुरू हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर आप एक जादूगर हैं कि किस तरह आप ठीक करते हैं। और उस लड़की का काफ़ी सप्ताह इलाज चलना शुरू हुआ और वो अब ठीक होने की कगार पर है, पहला स्टेप ले चुके हैं। सो कमाल की बात ये है, जो मैं हमेशा गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को शेयर करता हूँ, कि जब आप कमाल का काम करना चाहते हैं तो समय की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं उसका कोई ग्राफ नहीं होता, आप बस काम करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि कैसे लोग जुड़ते हैं। डॉक्टर आलोक से मैं कभी आज तक नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, लेकिन कैसे मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और आज हम उनके साथ कई सर्जरीज कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक ने उस लड़की की ज़िंदगी बदली। चलिए देखते हैं उनकी कहानी। ये मुंबई के न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट का ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। डॉक्टर्स की टीम यहां एक जिंदगी को बचाने में जुटी है। रात को 11 बजे आप अपने घर से नीचे आके एक जो रोजलिन की आपने मदद करी, रात को 12 बजे मेरे से फोन पे बात करी, ये सब करते नहीं। ये एक लड़की थी जो अकेली थी, आई हुई थी हैदराबाद से, और आपने रात को उसको वहां छोड़ा नहीं, आपने उसकी मदद करी, हमारे पास रेफर किया। तो आपका और आपके फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमने तो आज तक सिर्फ सुना था आपने जो काम किया है, पर ये देख पहली बार हमने एक्चुअली देखा कि आप किस तरह इंडिविजुअल पेशेंट जिनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं है और आप उनकी आउट ऑफ द वे जाके थ्रू योर फाउंडेशन मदद करते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो अपने पैरों से चलने की कोशिश कर रही हैं, इनका नाम है रोजेलिन। कुछ देर पहले आप इन्हें ही ऑपरेशन टेबल पर हरे कपड़ों के नीचे देख रहे थे। मेरा नाम रोजलिन है, मैं हैदराबाद से सोनू सूद सर को मिलने के लिए आई थी मेरे ट्रीटमेंट के लिए। मैंने उनके घर के सामने पूरा दिन वेट किया मेरे ट्रीटमेंट के लिए, और मैंने फाइनली मुझे रात को उनसे मिलने का चांस मिला। और मैं उनसे मिलने के बाद में सर ने मुझे रात को 12 बजे डॉक्टर आलोक शर्मा उनसे बात करके मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा। अब मैं सोनू सर के वजह से मेरा ट्रीटमेंट हो पाया है। चलने की ताकत और उम्मीद खो देने के बाद, हर जगह से निराश होने के बाद, जब वर्षों से शांत शरीर हिलने लगे तो इसे आम आदमी चमत्कार कहता है और डॉक्टर इसे अनुभव और रिसर्च का नतीजा कहते हैं।
डॉक्टर आलोक शर्मा से मिलने से पहले रोजेलिन को कई जगह इलाज के लिए दिखाया गया। हर बार उम्मीद बंधती थी और टूट जाती थी, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी ने रोजेलिन को नया हौसला दिया है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मैं आगे भी बहुत इम्प्रूव होगा मेरा कंडीशन, ये उम्मीद करती हूँ। किसी भी तरह से होप नहीं लूज करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन होता है, जैसे मुझे यहाँ पे आके सलूशन मिला। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं स्टेम सेल के बारे में। आसान शब्दों में कहें तो स्टेम सेल इंसान के शरीर को बनाने का कच्चा माल है। इसमें इंसान की कमजोरी और ताकत सब मौजूद होती है, इसीलिए स्टेम सेल का इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। इसे ही स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। थेरेपी के लिए डॉक्टर मरीज की रीढ़ से बोन मैरो निकालते हैं। इससे स्टेम सेल अलग की जाती है, फिर उसे मरीज के शरीर में डाला जाता है। तो रोजेलिन का इलाज हो गया है, हमने उसके ऊपर स्टेम सेल थेरेपी करी है। और स्टेम सेल में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट की जो बोन है, पेल्विक बोन, वहां से हम बोन मैरो निकालते हैं। उस बोन मैरो में से स्टेम सेल अलग करके हम रोजेलिन की स्पाइनल फ्लूइड में और उसके जितने कमजोर मसल्स हैं उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें सिर्फ इंजेक्शंस लगते हैं, कोई ऑपरेशन, काटा पीटी, ऐसे चीरे टाके कुछ नहीं होते। ये 100% सेफ ट्रीटमेंट है जिसमें कोई रिस्क नहीं। और रोजेलिन ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। शी इज ऑलरेडी फीलिंग मोर एनर्जेटिक, उनके हाथ पैर में थोड़ी ताकत इम्प्रूव हो गई है। वो खुद कह रहे हैं कि उनके बैठने में, खड़े होने में, चलने में ऑलरेडी ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं, पर पूरे इम्प्रूवमेंट्स आने में 3 से 6 महीने लगते हैं। और धीरे धीरे करके रोजेलिन को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थेरेपी करनी पड़ेगी, और स्लोली स्लोली वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हमारा जो हमारे इन बीमारियों के पेशेंट हैं, हमारा एक सिंपल एम है कि किसी भी तरह वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। तो हमारे स्टेम सेल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से हम इनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। उम्मीद है कि रोजेलिन हर गुजरते दिन के साथ अपनी पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगी। उनकी इच्छा शक्ति और डॉक्टर आलोक शर्मा का इलाज मिलकर एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जीवन का सूर्योदय इंतजार कर रहा है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।